अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ फ्रेंड की जानब से इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि पीएमसी की जानब से जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कैंसिल किए गए हैं उनकी जगह न्यू एडमिशन ओपन किए हैं, तो उसके लिए मेरिट फार्मूला क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, किस बेस पे पीएमसी जो है वो न्यू बच्चे सेलेक्ट करेगी जिनके एडमिशन होंगे, इसके साथ साथ वहाँ पर जो पहले से मौजूद थे बच्चे जिनके एडमिशन हो चुके थे उन बच्चों को किस तरह ट्रीट किया जाएगा, उनमें से कौन से स्टूडेंट्स के एडमिशन कैंसिल कर लिए जाएंगे, इन एडमिशन के लिए कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टली आज जितने भी व्हाट्सएप पर आपके मैसेज आते रहे, क्वेश्चन आते रहे, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको उन तमाम चीज़ों के आंसर कर दूं। देखिए, सबसे पहले तो इस हवाले से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बच्चे कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। जब पीएमसी की जानब से पहली बार उन्होंने बताया कि वो ये सब कुछ करने जा रहे हैं, कॉलेज का कैंसिल करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो उस टाइम उन्होंने यहाँ पर कहा था कि जी यहाँ पर दो किस्म के बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। पहले वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने आप कह लें कि जिनको स्टार्ट से एडमिशन ही नहीं मिला, दूसरे वो कर सकेंगे जिनका ऑलरेडी किसी लोअर कॉलेज में एडमिशन हुआ था और अब वो किसी हायर कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वो वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकेंगे। मैंने भी शायद आपके साथ वीडियो में शेयर किया था और यही कहा गया था पीएमसी की जानिब से, मगर अब पीएमसी की जानिब से अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है। अब उन्होंने कहा है, डेटा में पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट से मेरी बातचीत हुई थी, यहाँ पर आज मैं कोई स्क्रीन शॉट शेयर नहीं कर रहा, बहुत शॉर्ट सी बात कर रहा हूँ। आपको पता है रमजान है, रमजान में रूटीन भी बहुत मुख्तलिफ होती है, स्पीकर लिटरली वीडियो के लिए मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चे बार बार कह रहे थे। डे टाइम में दो वीडियो ऑलरेडी डिफरेंट चैनल से आ चुकी थी, तो मैंने कहा कि ऑलरेडी जब सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ क्यूरीज थी, मैंने कहा चलो उनके आंसर कर देता हूँ। तो आज जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनसे कहा कि सर आपने कहा है कि जी हम जो है, मतलब ये चीज़ आपने पहले कही थी कि वो बच्चे भी अप्लाई करेंगे जिनके एडमिशन तो हुए थे लेकिन किसी लोअर कॉलेज में हुए थे, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद था कि जब स्टार्ट में आपके प्राइवेट एडमिशन होने लगे थे तो उस टाइम जब उनसे यही डिस्कशन हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने लोअर हायर का जो है वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, अब कोई कॉलेज है वो लोअर हायर नहीं है, सब बराबर है, प्रेफरेंसेस वगैरह ख़त्म है, तो अब वो किस तरह डिसाइड होगा और आप ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे। तो इसके जवाब में उन्होंने दोबारा वही बात रिपीट कर दी, उन्होंने कहा नहीं जी हमारा वो सिस्टम ख़त्म है, वो शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी था पहले, जिसमें कहा गया कि जिन बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो चुके थे वो अपने आप को हायर रैंक में लेके जाने के लिए रीअप्लाई कर सकते हैं, नहीं वो रीअप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो लिखा है उस चीज़ को छोड़े मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ। अब अप्लाई के हवाले से यहाँ पर बेंचमार्क मेरिट दिया गया, ये वो मेरिट है जब पहली बार पीएमसी की जानिब से एडमिशन ओपन किए गए इस मेरिट पे इन कॉलेजेस का एडमिशन क्लोज हुए। लाइक यहाँ पर रहमान कॉलेज का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 62 पॉइंट समथिंग था, रावण इंस्टीट्यूट का यहाँ पर 51.44 था, इस तरह बाकी कॉलेजेस के भी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अप्लाई करते वक्त आप पॉइंट्स में भी अपना जो है एग्रीगेट एंटर नहीं कर पा रहे, तो इस हवाले से ये है कि आप उसको जो है वो राउंड ऑफ कर लें, अगर 5 से कम आ रहा है तो जो आप कह लें कि उसे लोएस्ट डिजिट है, मिसाल के तौर पर आपका आ रहा है यहाँ पर लाइक 54.54, तो अगर 5 से नीचे है तो आप उसको 54 पर ले आएं, अगर 5 से ज़्यादा है तो आप उसको 55 कर लें। इसका तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन भी बच्चे पूछ रहे थे। खैर यहाँ पर आपने देख लेना है कि जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपका एग्रीगेट बन रहा है या नहीं बन रहा, उस चीज़ को आपने यहाँ से पहले देख लेना है, उसके बाद ही आपने वो कॉलेज सेलेक्ट करना है। सब कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि आपने एक के लिए करना है, दो के लिए नहीं, जितनों के लिए आप करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ पर यह है कि जब पहली बार पोर्टल ओपन हुआ था तो उस टाइम आपने अप्लाई किया था या नहीं, उस टाइम करना लाजमी था, ये नहीं है कि ये कोई न्यू से एडमिशन ओपन हो गया अगर आपने उस टाइम नहीं किया आप कर सकते, नहीं। पहली कंडीशन यह है कि उस टाइम भी आपने अप्लाई किया, और दूसरी कंडीशन यह है कि आपका कहीं पर एडमिशन भी ना हुआ हो। अब मेरिट फार्मूला या प्रोसीजर कौन सा होगा सिलेक्शन का, उस हवाले से बात करने से पहले अगर आपने अभी तक काशिफ फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर लें। एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल यहाँ पर दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, काशिफ फ्रेंड के रेफरेंस से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं और आप अब्रॉड एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी पीएमसी की ए लिस्ट यूनिवर्सिटी में, तो इस हवाले से भी आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर जानने के लिए सबसे पहले आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाए, पब्लिकेशन पे आने के बाद यहाँ पर ऑर्डर पर आपने क्लिक करना है। ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने बहुत सारे ऑर्डर्स ओपन हो जाएंगे, इस तरह के आप देख सकते हैं कि मेरे सामने काफी सारे ऑर्डर ओपन हो गए। आप अपने कॉलेज का जो भी आपका रिस्पेक्टिव केस है उसको आप चेक कर सकते हैं, मैं आपके सामने जियाउद्दीन की एग्जांपल रख देता हूँ। एंड पर यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कि न्यू एडमिशन किस तरह से हो गया। यहाँ पर देखे उन्होंने कहा है कि वो स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज ने रिप्रेजेंट किया था कि वो उनके एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, उनका एडमिशन हो चुका है, उनको कंसिडर किया जाएगा एज ए प्रोविजनल स्टूडेंट्स, यानी कि जब कॉलेज एडमिशन करने लगेगा तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जाएगा और उनको देखा जाएगा कि ये हमारे यहाँ पर प्रोविजनल स्टूडेंट्स हैं। अब इन कॉलेजेस के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें वो ये आ रहा है,
कि जो आपके इंटरव्यू के 20% मार्क्स थे वो 20% मार्क्स यहाँ पर कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वो 20% मार्क्स पीएमसी ने खत्म कर दिए। इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन 80% एग्रीगेट में से होगा, जिसमें से आपका 30% एफएससी और 50% आपका नेशनल एमडी कैट कंसीडर किया जाएगा। जब न्यू बच्चे अप्लाई कर लेंगे, वो न्यू बच्चे अप्लाई करने के बाद पीएमसी उन चीज़ों को एवेल्युएट करेगा और देखेगा कि मिसाल के तौर पर आपके सामने एग्जांपल आ जाती है रावल मेडिकल कॉलेज की, यहाँ पर उनका अगर एग्रीगेट देख लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका क्लोजिंग एग्रीगेट 51.447 है, यानी कि यहाँ तक उन्होंने बच्चों को एडमिशन दिया था। यहाँ पर आप कह लें कि जो लास्ट में 51 पे बचा होगा उसको उन्होंने 20% इंटरव्यू में से दिए होंगे, क्लोजिंग एग्रीगेट 71 पे चला गया होगा, ये सिंपल तो उन्होंने काम किया होगा। लेकिन अब पीएमसी क्या करेगी, सपोज करें पीएमसी ने जो एडमिशन ओपन किया है, यहाँ पर 10 ऐसे स्टूडेंट्स रावल मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करते हैं जिनका क्लोजिंग एग्रीगेट जो है यहाँ पर 51.447 से ज़्यादा था, और उनका उन 10 बच्चों से भी क्लोजिंग एग्रीगेट ज़्यादा है जिनको रावल इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एडमिशन दे चुका था 20% इंटरव्यू मार्क्स की बेस पर। तो चूंकि अब इन जो न्यू आप कह लें कि यहाँ पर एंट्रीज आ रही है उनमें से 10 बच्चों के वहाँ से मेरिट या उनका जो एग्रीगेट है वो 80% के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तो उन 10 स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिया जाएगा और नीचे वाले जो ऑलरेडी 10 स्टूडेंट्स थे उनको जो है वहाँ से उनके नाम जो है वो कट ऑफ कर दिए जाएंगे, डिटेक्ट कर दिए जाएंगे। इस तरह यहाँ पर 10 न्यू एंट्रीज हो। इट मीन्स कि जो स्टार्ट में मैंने आपको प्रोविजनल लिस्ट के हवाले से बताया कि कॉलेजेस के एडमिटेड स्टूडेंट्स को एज ए प्रोविजनल लिस्ट कंसिडर किया जाएगा, उनमें से जो हायर मेरिट वाले होंगे न्यू एंट्री से उनके एडमिशन एज सच फाइनल कर ले जाएंगे, नीचे वालों के नाम कट ऑफ कर दिए जाएंगे और उनकी जगह न्यू एंट्रीज हो जाएंगे। इस तरह आपका ये तमाम का तमाम एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। डेफिनेटली बात है मेरिट पे आ रहा है, बात तो ठीक है पीएमसी की, लेकिन यहाँ पर स्टिल एक और क्राइसिस आ सकता है। वो क्राइसिस इस तरह से आ सकता है कि हो सकता है कोइंसिडेंसली कुछ ऐसे बच्चे एडमिशन ले लें जिन्होंने पिछली मरतबा किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं लिया था, मगर उनका एग्रीगेट किसी ऐसे स्टूडेंट से जो है आप कह लें कि ज्यादा हो जाता है जिसने मेरिट पर एडमिशन लिया था, इंटरव्यू में उसने कोई डोनेशन नहीं दी थी, तो डेफिनेटली बात है उस बच्चे का तो एडमिशन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर वो बच्चा कहाँ पर एडजस्ट होगा, उसने जो फी वगैरह सबमिट की थी या 3 महीने उसने स्टडी की थी उसका क्या बनेगा? मेरे पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। पीएमसी को इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए, उनको इंटरव्यू को एवेल्युएट कर लेते तो ये ज़्यादा बेटर था जो 20% है बजाय इस तरह के करने के। अब बच्चे इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में परेशान है, व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन इसका भाई यही है कि आप वेट करें, लेट सी पीएमसी क्या करता है। सारा प्रोसेस मैंने आपको समझाया था, होप्स हो कि बहुत सिंपल वर्ड में मैंने आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर लें, काशिफ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।